साथियों, आज हरियाणा में अगर भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व समर्थन दिख रहा है तो उसके पीछे 5 वर्षों के हमारे काम भी हैं और हमारे विरोधियों के कारनामे भी हैं। हम आते हैं जनता जनार्दन का काम करने के लिए, वो आते हैं नए नए कारनामे करने के लिए। हम हरियाणा को तय करना है कि आपको काम करने वाले लोग चाहिए कि कारनामे करने वाले लोग चाहिए। बहुत हो चुका, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, लेकिन कारनामे करने की उनकी परंपरा से वो कभी बाज नहीं आए। भाई, बीते 5 वर्ष में हरियाणा देश को बदलने वाली, देश में परिवर्तन की लहर पैदा करने वाली योजनाओं का साक्षी रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में बहुत बड़ा जन आंदोलन हरियाणा से ही शुरू हुआ और आज पूरे भारत में फैल चुका, और हर हिंदुस्तान का हर भाई, मेरा भाई बहन, जब बेटी बचाने की बात आती है तो गर्व के साथ कहता है कि हमें हरियाणा से सीखना है। सरकारें पहले भी थे, माता पिता पहले भी थे, बेटियां पहले मारी जाती थी, माता के गर्भ में बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, लेकिन वही मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों ने बेटी बचाने का बीड़ा उठा लिया, वही मां बाप ने मां भारती के सपनों को पूरा करने के लिए बेटियों की को बचाना, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को बढ़ाना। भाइयों बहनों, वही हरियाणा इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि सही नेतृत्व, सही दिशा, सही सरकार मिलती है तो हरियाणा के लोग अच्छे काम के लिए कंधा से कंधा मिलाकर के चलने वाले लोग हैं। भाई, आज हरियाणा की बेटियों की रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणा का स्थान बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, पीएम जय, कुछ लोग इनको मोदी केयर भी कहते हैं, इस आयुष्मान योजना भी हरियाणा से शुरू हुई और आज देश भर के गरीब परिवारों का सहारा बन गई। आज देश भर के 50 लाख से ज्यादा गरीब मरीजों को इसके तहत मुफ्त में इलाज मिल चुका। अगर यह योजना न होती तो 50 लाख परिवार पैसों के अभाव में पीड़ा झेलते रहते, मौत का इंतजार करते, या तो घर गिरवी रख करके ऊंचे ब्याज से पैसे लेकर के जिंदगी भर गरीबी के साया में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को फिर से जीने की एक नई ताकत दे दी। गरीबों ने फैसला कर लिया कि वे खुद आगे आएंगे, गरीबों की गरीबी को खत्म कर। भाइयों बहनों, और ये आयुष्मान भारत योजना कितनी बड़ी योजना है, देश के 50 करोड़ लोग इसके लाभार्थी, और एक प्रकार से देखें तो पूरे अमेरिका की जनसंख्या, पूरे मेक्सिको की जनसंख्या, पूरे कनाडा की जनसंख्या,
ये तीनों देशों की सारी जनसंख्या मिला ले तो उससे ज्यादा लोगों को भारत में आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना। भाजपा की सरकार जब ऐसे ऐसे संकल्प हरियाणा में ले रही थी तो जो हमारे विरोधी हैं वो क्या कर रहे थे, उनका क्या काम था? पिछले दिनों वो हमसे तो लड़ नहीं पाते थे, टकरा नहीं पाते थे, तो वो आपस में ही लड़ने झगड़ने में बिजी थे। वो उसको काटता था, वो उसको काटता था, वो उसको काटता था, उसको काटता था। वो अपने ही दलों में डीलों को तोड़ने में जुटे हुए थे, वो अपने ही दलों को अस्थिर करने में जुटे थे। कौन बड़ा कौन कब्जा कर ले उसी के खेल चलते थे। हरियाणा का भला कैसे हो इसके लिए उनको फुर्सत नहीं थी भाइयों। अब आप मुझे बताइए साथियों, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने दलों तक को अस्थिर कर सकते हैं, क्या वो हरियाणा को स्थिरता दे सकते हैं? दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? क्या वो हरियाणा के समाज को एकजुट कर सकते हैं? निजी हित जिनके लिए सबसे ऊपर है, ऐसे लोग क्या राष्ट्रहित के बारे में सोच भी सकते हैं? भाई और बहनों, भाजपा ने 5 वर्ष में हरियाणा को स्वच्छ और स्थिर सरकार दी है। भाजपा ने हरियाणा को एकजुट रखने वाली दल के रूप में, सामाजिक सद्भाव के लिए काम करने वाली सरकार के रूप में जी जान से आपके बीच रह करके नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भाजपा ने हरियाणा को जात बिरादरी और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने के बजाय सबका साथ सबका विकास इसी एक मंत्र को लेकर के सरकार चलाई।